एकता के आधार पर कार्यपालिका शक्ति साझा होती है। और अगर अध्यक्षात्मक शासन की बात करें तो प्रधानमंत्री कैबिनेट को नियुक्त करता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम देखें कि राज्य के कार्यपालिका कार्य के लिए राष्ट्रपति संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में कैबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम माना जाता है। अर्धअध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और राज्य के मामलों में सामान्यतः उत्तरदायी होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को पृथक और स्वतंत्र निर्वाचित व्यवस्थापिका के साथ में शक्ति को साझा करना होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद नाम मात्र की कार्यपालिका से पृथक होता है। और अर्धअध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अक्सर संसद को भंग करने और आपातकालीन शक्तियां उनके पास में होती हैं। इसके अलावा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम देखें महाभियोग को यदि छोड़ दें तो राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता, यानी कि हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में देखें हम प्रधानमंत्री और कैबिनेट संसद को भंग कर सकते हैं और संसद अविश्वास प्रस्ताव से कैबिनेट को हटा सकती है। इसके अलावा हम देखें जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट राज्य के दैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और वह जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है, जबकि प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अंतिम रूप से वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि कैबिनेट है वह राष्ट्रपति और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सारी हमने तुलना देख ली। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति व्यवस्था है या अमेरिका की जो जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप देखेंगे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव ब्रांच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर टू विच इज जनरली नॉट अकाउंटेबल, ठीक है। और इसमें ये मैंने इस चार्ट के माध्यम से या इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और व्यवस्थापिका के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो जुडिशियल सिस्टम है या जुडिशियरी है उसके जो जजेस हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, और उसके लिए कांग्रेस का अप्रूवल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या वो एक निश्चित शर्त है कि उसके बिना जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो अब हम ये देखें कि क्या वास्तविक रूप से जो राष्ट्रपति व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति क्या बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। तो इसका जवाब ये हमारे पास में है कि राष्ट्रपति निश्चित रूप से उसने शक्तियां बहुत ज्यादा ग्रहण कर ली है। वो शक्तियां इसलिए ग्रहण कर ली है क्योंकि हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद में, या शीत युद्ध जब से शुरू हुआ 1945 में, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने शासन के दोनों अंगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर ली है। और हमें यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, या मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व की सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका है। वो इसलिए क्योंकि जो शीत युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्रिएट हुई या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी, उसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तरीके से पूरी शक्तियों को हस्तगत कर लिया है। दूसरा यह है कि चूंकि हम देखें ये जनरल ट्रेंड हमको दिखाई देता है कि कार्यपालिका का महत्व बढ़ता जा रहा है और व्यवस्थापिका का महत्व कम होता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, जनता अगर कोई भी समस्या होती है या कोई भी संकट हो रहा है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने देखती है। और तीसरा, अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी राज्य